2 घंटे 51 मिनट की पिक्चर जिसमें 2 घंटे से ज्यादा गोली चली, इतनी कि खोखा बेच के अमीर होने वाली कहावत सच हो, यही है जॉन विक का मर्म। बीते संडे देखी गई दुनिया की सबसे ब्रूटल एक्शन फ्रेंचाइजी में से एक। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि जॉन विक क्यों देखनी चाहिए, इस आप एक डिस्क्लेमर ले लीजिए। जॉन विक एक मसालेदार छौंकायुक्त एक्शन पिक्चर है, इससे और कोई भी अपेक्षा करना बेमानी है। कितनी भी थियोरी निकाली गई हो कि इसमें ग्रीक और मध्यकालीन यूरोप की कथाओं के संदर्भ हैं, फिल्म जैसी है बिना थियोरी के वैसी ही आपको लगेगी थियोरी के साथ भी। अब आते हैं मुद्दे पे, जॉन विक कौन है? एक रिटायर्ड हिटमैन, पेशेवर हथियारों के छिपे हुए संगठन का लीजेंड, बहुत हैवी बातचीत। संगठन पूरी दुनिया में एक्टिव है और जॉन विक का नाम भी। उसे कहते हैं बाबा यागा। बाबा यागा स्लाव परंपरा की लोक कथाओं से लिया गया है। एक राक्षसी की कहानी है जो अपने विक्टिम्स को पकाकर खाती है, आमतौर पर बच्चों को। हालांकि जॉन विक ये वाला बाबा यागा नहीं है, वो तो अपराध की दुनिया से रिटायर हो चुका था। एक लड़की से प्रेम हुआ और हत्यारे को अपनी हर हत्या क्रूर लगने लगी। बड़ी जद्दोजहद के बाद अपराध जगत से निकल गया। पत्नी से प्रेम करता था, वो चली गई। पत्नी ने एक कुत्ता गिफ्ट किया था, वो भी पुराने जुर्मों ने उससे छीन लिया। फिर जॉन विक ने निकाली बंदूकें और भाई कभी नहीं रुका। भतेरी एक्शन और असैसिन फिल्में मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं, लेकिन जॉन विक जैसा ग्रेस आपको कहीं नहीं मिलेगा। आम चरों की जबान में कहें तो क्लास। एक्शन फिल्मों में आप ये अपेक्षा करते हो कि वजनदार बंदूकें होंगी, विस्मय से बड़ा सीक्वेंस होगा, लेकिन मिस्टर विक ने क्लोज कॉम्बैट और पिस्टल के दम पर 4 पिक्चरें निकाल दी। 3-पीस सूट में गाजर मूली की तरह लोग मारता है। कभी एक आध गोली लग गई तो लग गई, नहीं तो रॉकी भाई से कम धनक नहीं है विक की। ऐसा नहीं है कि विक पिटता नहीं है, पिटता है, गिरता है, रुकता नहीं है। सीक्वेंस शुरू होते ही गाड़ी टक्कर मार देती है या दो मंजिला इमारत से गिर जाता है, तब आपको लगेगा कि यार चोट लग गई है, अपना 100% दे नहीं पाएगा लड़ाई में। पर आप इस बात से अचंभित रह जाएंगे कि ये मरता ही नहीं है क्या, क्योंकि वो फिर उठेगा और जिस विलन का इतना भौकाल दिखाया गया हो उसके सिर में कुल्हाड़ी मार देगा। लेकिन जॉन विक केवल एक अपनी जघन्यता के लिए नहीं जाना जाता, वो एक वफादार दोस्त है, एक धड़कता दिल है, एक जहीन दिमाग है जिसे मुक्ति चाहिए। कुछ एक्टर्स कुछ रोल्स के हो जाते हैं, वो कोई भी फिल्म कर ले ऐसे ही याद किए जाते हैं कि अरे वो अपना शरलॉक वाला एक्टर। ऐसा सितम कई एक्टर्स के साथ हुआ है, कुछ भुना पाए इस सितम को और कुछ खप गए। कियानू कहीं बीच में है, लेकिन जॉन विक तो वही है। जेम्स बॉन्ड बदल सकता है, पियर्स ब्रॉसनन से के बाद डेनियल क्रेग हो सकता है, लेकिन जॉन विक नहीं। जॉन विक मतलब कियानू रीव्स, जो बिल्ट, जो ग्रेस, जो डरावनी गंभीरता उस किरदार में चाहिए, कियानू वो ऑफर करते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक कियानू ने खुद किरदार के डायलॉग्स कम करवा दिए। पूरी 3 घंटे की लगभग पिक्चर में 380 शब्द कहे हैं। कई गुंजाइशों पर आपको लगेगा कि यहां तो कुछ बोलना चाहिए था, विक नहीं बोलेगा। पुराना दोस्त मिले या दुश्मन, विक खामोश रहेगा, एक गिलास पानी पी लेगा या गिलास में जो भी रखा हो वो पी लेगा। जॉन विक के इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया कि वो एक पेशेवर हत्यारा है, लेकिन किरदार बस इतना नहीं है, ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं कि वो एक जिंदा दिल और जहीन दिमाग है। जॉन विक खुद को कैसे याद करना चाहता है वो जानिए, एक प्रेम करने वाले पति के तौर पर। वो चाहता है कि उसकी कब्र पर लिखा जाए जॉन लविंग हस्बैंड। वो एक आशिक आदमी है, प्रेम से सराबोर, और अपराधियों की ये दुनिया उसकी टॉक्सिक एक्स है जो पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। कियानू किरदार की कमजोरी, थकान, फैज और क्रूरता की लेयर्स को बेहतरीन तरीके से जज्ब करते हैं। अगर आप एक्शन के मद्दा हैं तो वल्लाह भरपूर एक्शन मिलेगा। तड़ केवल गोलियां चलती रहेंगी, और जब गोलियां नहीं चल रही होंगी तो चलने का माहौल बनाया जा रहा होगा, क्योंकि जॉन विक में कोई लार्जर देन लाइफ सीक्वेंस नहीं है। मसलन गाड़ियां उड़ती आपको नहीं दिखेंगी, एलियंस ऊपर अपने उड़न खटोलों से नहीं आएंगे, पनडुब्बियां सीधे सीधे पानी से बाहर नहीं निकाली जाएंगी। केवल अलग अलग लोकेशंस पर विक अपनी स्किल्स के दम पर लोगों को मारता रहेगा, कभी पिस्तौल से, कभी तलवार कुल्हाड़ी से, और कभी तो पेंसिल से। और इन तमाम सीन्स में आपको थ्रिल आएगा, क्यों? 2 कारण है। एक तो इस डांस ऑफ डेथ को बहुत महीन तरीके से रचा गया है। दूसरी हमारी एक थियोरी है, ये जो गोली न चलने के समय में जो माहौल बनाया जाता है वो एक्शन को बहुत ग्रांड कर देता है। हम आपको मिसाल दिए देते हैं।
आप जॉन विक का इंट्रो सीन यूट्यूब पर देख लीजिए, कई बहुत सारे व्यूज हैं, हमने भी कई बार देखा है। एक रूसी माफिया जॉन विक का परिचय दे रहा है कि ये आदमी किस कुवत का आदमी है, इस अकेले ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरी दुनिया में उसके खौफ की तूती है। दूसरी तरफ जॉन अपने बेसमेंट का फर्श तोड़ रहा है हथौड़ी से अपने गड़े हुए हथियार निकालने के लिए। ये कट सीक्वेंस देखकर ही आपके सिर के बाल खड़े हो जाएंगे। पूरी सीरीज में ऐसे सीन हैं जो आपको पहले ही मार धाड़ के लिए हाइप कर देते हैं और मार धाड़ आपको निराश नहीं करती। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है सीरीज के डायरेक्टर चैड स्टेल्सकी को। मजेदार बात यह है कि चैड ने शुरुआती दौर में एक स्टंट्समैन के तौर पर काम किया। मैट्रिक्स में कियानू रीव्स के स्टंट डबल चैड ही हैं और आज वो दोनों साथ पिक्चर कर रहे हैं। अगस्त 2020 में खबर आई थी कि जॉन विक चैप्टर 5 पर विचार चल रहा है, यानी अगले पार्ट पर, और इसे चैप्टर 4 के साथ ही शूट किया जाना है। मगर मार्च 2020 तक यह साफ हो गया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दोनों फिल्मों को जो बैक टू बैक शूट करने का प्लान था उसको रद्द कर दिया गया है और चौथे पार्ट पर ही फोकस रहेगा। हमारा हीरो अभी और मार झेल सकता है, लेकिन सीरीज को आखिरकार तो खत्म होना ही है। फिर शूट रद्द होने की खबरें, रीव्स की चिंताएं, डायरेक्टर की हिचकिचाहट से लगता है कि सीरीज यहां खत्म। सिलसिला 2014 में शुरू हुआ था, 2023 में खत्म। चौथा पार्ट आपको एक समापन देता है। कुछ लोग निराश हो सकते हैं, हताश नहीं होंगे। फिल्म में आपको कई ऐसे सीन दिखेंगे जिसकी झलक आपको पुराने पार्ट्स में मिलती है। थीम तो वही है, जॉन विक बनाम दुनिया। सबके सबसे एक हेकड़ विलन है जिसे मुगालता है कि वो पिताजी है। फिर पीछे से जॉन विक आता है और कहता है हेलो। ये बात गलत है, जॉन विक हेलो नहीं कहता। उसके पास 380 शब्द ही हैं उस खर्चने को, वो फजूल की हेलो हाय नहीं करता। मुक्ति का रास्ता पुराने और नए दुश्मनों से भरा हुआ है। विक के सिर पर एक इनाम है जो लगातार बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे इनाम बढ़ रहा है लाशें भी। ये हुई हमने आपको समीक्षा बताई, ये आपको कारण बताए। अगर आपको फिर भी फिल्म नहीं देखनी है तो ये भारत एक आज़ाद देश है, आप फिल्म नहीं देख सकते हैं। 24 मार्च को रिलीज हुई है, सिनेमाघरों में चल रही है और अच्छी चल रही है, आप भी दिखाइए। ये वीडियो हमारे साथी विजय ने आपके लिए शूट की थी। मेरा नाम है सोमशेखर और आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए यूट्यूब पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।